आज हम डेलगोना कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं। डेलगोना कॉफ़ी बनाने के लिए आप किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम 3 बड़े चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी के डाल रहे हैं। फिर हम इसमें 4 बड़े चम्मच चीनी डाल देंगे। तो 4 चम्मच चीनी हमने डाल ली है। अब हम इसमें 3 चम्मच गर्म पानी डालेंगे। अब हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। आप इसमें 3 बड़े चम्मच कॉफ़ी के लिए और 4 बड़े चम्मच यहाँ पे चीनी के लिए यूज़ करें, वरना कॉफ़ी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं सब 3:3:3 होना चाहिए, मतलब कि 3 चम्मच कॉफ़ी, 3 चम्मच चीनी और 3 चम्मच पानी। बट उस मेथड से कॉफ़ी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए है तो आप 3:3:3 के रेशियो में लें, और अगर आपको माइल्ड कॉफ़ी चाहिए है तो आप इस मेजरमेंट से बनाएं। अब हम इसे हैंड ब्लेंडर से विस्क करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हमें थिक रखनी है, जैसी कंसिस्टेंसी व्हिप्ड क्रीम की होती है बस वैसे ही हमें इसकी कंसिस्टेंसी को रख लेना है। इसे बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, तो आपको इसे तब तक विस्क करना है जब तक कि बिल्कुल लाइट क्रीम ना हो जाए और फ्लफ़ी ना हो जाए। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, बट अभी भी ये अच्छे से फिट ही नहीं है, तो इसे हमें और अभी विस्क करना है। कॉफ़ी हमारी जितनी ज़्यादा अच्छी विप्ड होगी उतने ही अच्छे से ये दूध पर फ्लोट करेगी। इसके अंदर ना सॉफ्ट पीक स्टेज होनी चाहिए, मतलब कि जब आप इसे विस्क करके निकालें तो इसमें जो पहाड़ पे जैसे नोक होती है ना वैसे ही इसमें भी बननी चाहिए। तो ये हमारी विप्ड कॉफ़ी तैयार है। अब हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। सबसे पहले इसमें 3 से 4 आइस क्यूब्स डालें, फिर हम इसमें दूध डालेंगे। यहाँ पर हम ठंडे दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इसमें विप करी हुई कॉफ़ी डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉफ़ी हमारी दूध के ऊपर अच्छे से फ्लोट कर रही है। अगर कॉफ़ी अच्छे से विप करी हुई नहीं रहेगी तो ये तुरंत दूध में मिक्स हो जाएगी। हम इसमें 3 बड़े चम्मच विप्ड कॉफ़ी के डालेंगे और लास्ट में इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर स्प्रिंकल करके सर्व करेंगे। If you like my video, then hit that like button and subscribe to my channel.